हेलो फ्रेंड्स, आईपी कैमरा ट्रेनिंग सीरीज का एक और नया वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में वायरलेस एक्सेस पॉइंट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। लिफ्ट के अंदर जो सीसीटीवी आईपी सीसीटीवी कैमरा लगता है, उसके लिए जो हम एक्सेस पॉइंट लगाते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे। किस तरह से हम उसको इंस्टॉल करते हैं, उसका कनेक्शंस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल्स में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको भी लिफ्ट के अंदर जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट लगता है उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मैं हूं शाकिब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, लिफ्ट के अंदर जो इस्तेमाल होता है एक्सेस पॉइंट, वो कुछ इस तरह का एक्सेस पॉइंट होता है। यहाँ पर देखिए, ये टीपी लिंक ब्रांड है, उसका भी एक्सेस पॉइंट आता है, और अलग अलग और भी ब्रांड है, WIS आता है, डी लिंक का आता है, और भी अलग अलग तरह के ब्रांड के एक्सेस पॉइंट आते हैं, इंजीनियर्स का आता है। तो जो ये हमने टीपी लिंक का यूज़ किया है, ये काफ़ी अच्छा चलता है। उसका मॉडल नंबर है टीपी लिंक का CPE510। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमने इसका यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छा चलता है, तो आप भी इसको चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से लिफ्ट के अंदर इसका सेटअप होता है। ये देख पा रहे होंगे, देखिए लिफ्ट के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है, एंड उसके लिए यहाँ पर देखिए ये एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है कैमरे के एंड पे, और एक दूसरा एक्सेस पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, और बीच में ये देखिए वायरलेसली एक दूसरे से ये कम्युनिकेट कर रहा है। ये देखिए इस तरह से करके ये वायरलेसली कम्युनिकेट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जब आप एक NVR का सेटअप करते हैं, जब आप लिफ्ट के अंदर कैमरा लगाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको NVR वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए स्विच लगते हैं, ये सारी चीज़ लगते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं उसके कंपोनेंट्स के बारे में कि हमें किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपके पास एक NVR होना चाहिए, एंड देन उसके बाद आपके पास स्विच, दो तरह के स्विच आते हैं, एक नॉर्मल स्विच आते हैं जिसको डेस्कटॉप स्विच बोलते हैं, और एक आता है POE स्विच। तो आपके पास एक स्विच होना चाहिए डेस्कटॉप स्विच, ऑब्वियसली आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, उसके बाद आपके जो एक्सेस पॉइंट को माउंट करते हैं उसके लिए स्टैंड चाहिए आपको, तो कैमरे के लिए एक स्टैंड चाहिए। फिर उसके पास आपके पास पावर अडेप्टर होना चाहिए कैमरे को पावर देने के लिए। उसके बाद फिर आपके पास एक्सेस पॉइंट होना चाहिए, जो भी ब्रांड का आप एक्सेस पॉइंट लेना चाहिए। हमने 3-4 नंबर बताए, टीपी लिंक के आते हैं, डी लिंक के आते हैं, इंजीनियर्स के आते हैं, WIS के आते हैं, ये सारे ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी एक ब्रांड आप ले सकते हैं। उसके बाद POE इंजेक्टर जो आपके एक्सेस पॉइंट के साथ आता है, एक्सेस पॉइंट को उसके थ्रू पावर जाता है, और फिर हमें इसको कॉन्फिगर करने के लिए लैपटॉप चाहिए। तो आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से एक्सेस पॉइंट का कॉन्फिगरेशन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा NVR है, आपका जितना भी कैमरा है उसके अकॉर्डिंग आप NVR ले सकते हैं, 4 चैनल, 8 चैनल, 16, 32, 64। उसके बाद ये डेस्कटॉप स्विच है, तो इस तरह से आपको एक डेस्कटॉप स्विच भी लगता है, जिसके अंदर एक आता है डेस्कटॉप स्विच, दूसरा होता है POE स्विच, जिसके अंदर क्या है, डेटा भी जाता है साथ ही साथ पावर भी जाता है। तो आपको डेस्कटॉप स्विच लेना है, जिसको नेटवर्क स्विच भी बोलते हैं। उसके बाद आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, जो कैमरा जिसके अंदर जो 2 मेगापिक्सल्स का आपका कैमरा होना चाहिए, यानी 1080p का। कैमरे का जो लेंस होगा वो 2.8mm फिक्स्ड लेंस होगा। कैमरा जो है वो वेंडल डोम कैमरा होना चाहिए। देखिए, इस टाइप का जो कैमरा होता है इसको वेंडल डोम कहते हैं। इसके ऊपर देखिए, ऊपर से ये कवर लगा होता है ताकि इसका कोई एंगल को चेंज नहीं कर सके। इसको एंगल चेंज करने के लिए देखिए एलंकी यूज़ करना पड़ता है, तो कोई आसानी से इसको एंगल को चेंज नहीं कर सके। कोई इसको अगर तोड़ने की कोशिश करे तो आसानी से तोड़ नहीं सके, क्योंकि ये IK10 होता है, तो बहुत आसानी से ये टूटने वाला भी नहीं है। तो आपको वेंडल डोम कैमरा लेना है। उस कैमरे के अंदर आपको WDR जो टेक्नोलॉजी है, वाइड डायनामिक रेंज WDR का फीचर्स उसके अंदर होना चाहिए। अगर बिल्ट इन माइक आपका जो लिफ्ट के अंदर कैमरा आप यूज़ करने के लिए जा रहे हैं, उसके अंदर आपको माइक भी होना चाहिए, ताकि लिफ्ट के अंदर कुछ भी हो तो उसको वो रिकॉर्ड भी कर सके। और साथ ही साथ उसके अंदर microSD कार्ड भी आपका कैमरा सपोर्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ है, तो एक अच्छे से आप कंप्लीट एक अच्छा सॉल्यूशन कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बताया पावर अडेप्टर, पावर अडेप्टर आपके कैमरे को जो पावर देना होता है वो अडेप्टर के थ्रू देना होता है, जिसका आपको 12 वोल्ट 2 एम्पियर का आप कैमरे को पावर दे सकते हैं 2 एम्पियर के थ्रू। तो एक आपके पास अडेप्टर होना चाहिए, जितना भी कैमरा है उसके हिसाब से आपको उतना अडेप्टर लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ये एक्सेस पॉइंट है, ये टीपी लिंक का एक्सेस पॉइंट है, हमने बताया, जिसका मॉडल नंबर है CPE510, हमने शुरू में आपको बताया था।
तो ये आप एक्सेस पॉइंट चाहे तो आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर इसको कॉन्फ़िगरेशन का आपको सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट भी इसका आपको मेरे तरफ से मिल जाएगा। ये देखिए पीओ इंजेक्टर होता है जो ये एक्सेस पॉइंट के थ्रू के साथ पीओ इंजेक्टर आता है, और यहाँ पे देखिए पीओ है जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस पॉइंट को पावर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने आपको स्टैंड बताया, स्टैंड फॉर एक्सेस पॉइंट, तो एक इस तरह का स्टैंड होता है। और ये देखिए हमने एक इंस्टॉलेशन किया है, जो स्टैंड लगता है उसके ऊपर हम एक्सेस पॉइंट को माउंट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए आपको एक स्टैंड, दो स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, एक स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से एक्सेस पॉइंट इंस्टॉल होता है। ये देखिए एक जो ट्रांसमीटर होता है इसके अंदर एक रिसीवर होता है, और लिफ्ट जैसे ऊपर नीचे करती है तो ये आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है। आगे के हम वीडियो में आपको बताएंगे, इसका कनेक्शंस भी बताएंगे। उसके बाद देखिए ये लिफ्ट के ऊपर का जो पोर्शन होता है शाफ्ट, वहाँ पर ये देखिए हम पीओई एक इंजेक्टर लगाते हैं यहाँ पर पावर पॉइंट के थ्रू इसको। ये देखिए कैमरे को जो पावर देते हैं उसके लिए एक अडेप्टर इस तरह से करके आपको एक सॉकेट बनाना होता है, पावर पॉइंट का सॉकेट, ताकि आप एडाप्टर लगा के कैमरे को आप पावर देख सकें। अभी देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से आया हुआ है। उसके बाद देखिए जब आप लिफ्ट के अंदर जब आप कैमरा लगाते हैं तो कुछ पॉइंट्स को, ये देखिए ये हमारा एक साइट है वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान में रखते हुए आपको लिफ्ट के अंदर कैमरा लगाना है। कैमरा जो आपका लिफ्ट का जो कीपैड होता है, ये देखिए कीपैड है, उसके अपोजिट में अगर आप इस कॉर्नर पे आप लिफ्ट का लगाते हैं तो आपका लिफ्ट का कीपैड दिखना चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो आप वैसा माउंट करें। अगर आपका इस साइड में है तो आपको उसके जस्ट दूसरे वाले कॉर्नर में आपको कैमरा को माउंट करना है, ताकि कीपैड आसानी से दिख सके, कौन से फ्लोर के ऊपर जा रहा है वो चीज़ आपको विजिबल हो सके। तो इस तरह से करके कैमरा माउंट करना है लिफ्ट के अंदर। ये देखिए कुछ इस तरह से ये वेंडल डोम कैमरा है, इस तरह से लगाना है आपको, ताकि आपका कीपैड भी दिख सके, कोई अगर फ्लोर प्रेस करे तो कितने फ्लोर को उन्होंने प्रेस किया, कौन से फ्लोर के ऊपर गया, और ये डिस्प्ले इस तरह से इंडिकेट हो सके। अभी चलिए अब कनेक्शंस के बारे में बात करते हैं। ये सर्वर साइड कनेक्शन होता है, सर्वर साइड इन द सेंस के एक होता है क्लाइंट साइड होता है और एक होता है सर्वर साइड होता है। तो सर्वर साइड जो कनेक्शन करते हैं हम, सर्वर साइड का मतलब ये हुआ कि जिधर हमारा जो स्विच लगेगा वो उस तरफ का जो साइड है उसको हम बोलते हैं सर्वर साइड, और जिस साइड में हमारा कैमरा लगता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड। तो ये देखिए आपका ये एक एक्सेस पॉइंट है, और ये आपका जो है पीओई इंजेक्टर है। ये देखिए पीओ इंजेक्टर को हमने 230 वोल्ट पावर दे दिया, एसी इसको जाता है। उसके बाद यहाँ से दो केबल निकलता है, एक निकलता है पीओई, दूसरा निकलता है लैन। जो पीओई वाला जो केबल है वो आपको एक्सेस पॉइंट के अंदर डाल देना है, और जो लैन वाला केबल है वो आपको आपके पीओई स्विच के अंदर आपका जो डेस्कटॉप स्विच है यानी नेटवर्क स्विच है उसके अंदर डालना है। तो कुछ इस तरह से कनेक्शन सर्वर साइड पर होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को स्टॉप करके आप इसका कनेक्शन को नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा हम क्लाइंट साइड की बात करें, जो कैमरे एंड पे जो एक्सेस पॉइंट लगता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्लाइंट, और जो स्विच साइड में लगता है एक्सेस पॉइंट स्विच साइड में लगता है उसको हम बोलते हैं सर्वर। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगर करेंगे तो वहाँ पे क्लाइंट और सर्वर करके दो ऑप्शन आता है, तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा एक्सेस पॉइंट आप कैमरे की तरफ लगाने वाले हैं, कौन सा एक्सेस पॉइंट आप स्विच के तरफ लगाने वाले हैं। तो जो आप स्विच की तरफ लगाएंगे उसका नाम होगा सर्वर, आपको वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, और जो आपका कैमरे की तरफ लगेगा उसका नाम आपको क्लाइंट करना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी आपको एक क्लाइंट साइड पे एक पीओ इंजेक्टर लगता है, एक्सेस पॉइंट के साथ आता है, इसको 230 वोल्ट से पावर दे देना है। उसके बाद यहाँ पे भी दो निकलता है, एक पीओई का ऑप्शन निकलता है, यहाँ पे दूसरा लैन। पीओई वाला जो पार्ट है उसको एक्सेस पॉइंट के थ्रू लगा देना है, ताकि इसको एक्सेस पॉइंट से आपके एक्सेस पॉइंट को यहाँ से पावर मिल जाए, और जो लैन वाला पार्ट है उसको सिंपली आपको कैमरे के साथ कनेक्ट कर देना है। तो कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। चलिए आगे इसको हम कंडीशंस के थ्रू समझते हैं। आप लिफ्ट में दो तरीके से कैमरे को लगा सकते हैं। कंडीशन नंबर वन है कि कंडीशन नंबर वन के अंदर क्या होता है, ये डिपेंड करता है टोटली कि आपने जो अपना एनवीआर है आपका वो किधर लगा हुआ है। अगर एनवीआर आपका ग्राउंड फ्लोर के ऊपर लगा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर आपका एनवीआर का सेटअप लगा हुआ है, तो उस केस में जो आपको एक्सेस पॉइंट को इंस्टॉल करना है तो आपका जो ये देखिए सर्वर वाला जो एक्सेस पॉइंट है, ये देखिए हमारा ये RX है और ये TX है। ये देखिए ये लिफ्ट है, लिफ्ट की केबिन है, और लिफ्ट के केबिन के नीचे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे जो यहाँ पे एक डक्ट होता है उसके अंदर आपको एक एक्सेस पॉइंट को यहाँ पर माउंट कर देना है। दूसरा जो एक्सेस पॉइंट है आपका TX
ट्रांसमीटर जो है जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं, सर्वर आपका जो सबसे बॉटम में आ जाएगा, जो आपका यहाँ पर एक डक्ट गड्ढा होता है उसके अंदर आपका सर्वर आ जाएगा यानी आरएक्स आ जाएगा, और ये जो टीएक्स है वो लिफ्ट का जो बॉटम होता है वहाँ पर बॉटम पे आपको लिफ्ट को इसको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद हमने बताया ये देखिए पीओई इंजेक्टर है, इसके अंदर से दो केबल निकलता है, ये देखिए हमने आपको बताया था पीओई इंजेक्टर से दो केबल यहाँ पे सर्वर एंड पे निकलता है, जो एक जाता है स्विच के अंदर और एक जाता है हमारा एक्सेस पॉइंट के अंदर। वही चीज़ को यहाँ पर बताया गया, एक है जो आपके एक्सेस पॉइंट के अंदर जा रहा है कैट सिक्स केबल, और दूसरा जो निकल रहा है ऑप्शन लैन का वो आपके स्विच के अंदर आ जा रहा है। वैसे ही अगर हम ट्रांसमीटर की बात करें क्लाइंट एंड की, तो इसके अंदर भी यहाँ पे देखिए एक आपको लिफ्ट के टॉप पे दिखाया था एक पीओई इंजेक्टर लगता है, जो आपको केबिन जो होता है लिफ्ट का केबिन उसके टॉप के ऊपर उसको डालना है। इसके अंदर दो ऑप्शन निकलेगा, पीओई वाले पार्ट को आपको एक्सेस पॉइंट के अंदर कैट सिक्स केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, और जो लैन वाला पार्ट है उसको आपको कैमरे के थ्रू कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ स्विच तक आपका आ गया, ये देखिए आपका जो ये कैमरा है वो स्विच तक आ गया, स्विच से एक केबल आपको एनवीआर को कनेक्ट कर देना है, एनवीआर को कनेक्ट करना है, उसके बाद एनवीआर से एक एचडीएमआई केबल आप मॉनिटर के ऊपर आएंगे तो जो आपका कैमरा है वो आपका कैमरा यहाँ पर लाइव हो जाएगा। तो ये कंडीशन नंबर वन हो गया। कंडीशन नंबर टू समझते हैं कि कंडीशन नंबर टू में क्या होता है। कंडीशन नंबर टू के अंदर क्या होता है कि अगर आपका जो एनवीआर का सेटअप है वो लिफ्ट मशीन LMR में लगा हुआ है, लिफ्ट मशीन रूम में या फिर ऊपर टेरेस के तरफ कहीं पे लगा हुआ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो सबसे लिफ्ट का टॉप वाला पोर्शन होता है वहाँ पे हम अपने सर्वर का जो यानी रिसीवर को इंस्टॉल करते हैं, और फिर जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो लिफ्ट के टॉप के ऊपर इंस्टॉल होता है ट्रांसमीटर जो हमारा क्लाइंट होता है। तो इसको आपका जो सर्वर है यानी आरएक्स है उसको टॉप के ऊपर इंस्टॉल कर देना है, और दूसरा जो हमारा क्लाइंट है यानी ट्रांसमीटर जो है वो लिफ्ट के टॉप के ऊपर आ जाएगा। सिंपली यहाँ पर एक पीओई इंजेक्टर आपको लगा देना है, पीओई इंजेक्टर से दो केबल निकलेगा यहाँ पर भी, एक पीओई जो आपको एक्सेस पॉइंट को दे देना है, लैन वाला जो पार्ट है उसको स्विच के अंदर डाल देना है, फिर वैसे ही यहाँ पर भी एक जो दूसरा आपका क्लाइंट का है पीओई इंजेक्टर निकलता है, पीओई वाला पार्ट को एक्सेस पॉइंट में डालना है, लैन वाले पार्ट को कैमरे में डालना है, और फिर ये केबल आपका स्विच में आ जाता है, स्विच के बाद आपका एक कैट सिक्स केबल से एचडीएमआई एनवीआर को दे देना है, तो आपका यहाँ स्विच से आ जाता है एनवीआर के अंदर, फिर उसके बाद मॉनिटर को एक एनवीआर से एचडीएमआई केबल के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं जैसे ही, तो आपका कैमरा जो है वो आपके मॉनिटर के ऊपर व्यू हो जाता है, और फिर लिफ्ट जैसे ही ये रनिंग करती है तो ये वायरलेसली ये आपका जो कैमरा है ये वायरलेसली काम करता है, बीच में आपको कुछ भी केबल डालने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी 50 फ्लोर हो, 60 फ्लोर हो, 70 फ्लोर हो, 80 फ्लोर हो, कितना भी फ्लोर हो आप इसको डाल सकते हैं। काफ़ी इसका जो स्ट्रेंथ है सिग्नल वायरलेस का जो स्ट्रेंथ है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस तरह से आपके कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका और भी कोई कैमरा है तो ये देखिए सपोज दैट आपका ये और भी कोई स्विच है जिसके अंदर कुछ कैमरा, सपोज दैट ये आपका 16 चैनल का स्विच है तो इसके अंदर और भी जो कैमरा कनेक्ट हुआ है तो वहाँ से भी एक केबल डाल देंगे इस स्विच के अंदर, तो सारा नेटवर्क में आ जाएगा और आपका जितना भी कैमरा है ये मॉनिटर के ऊपर व्यू हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप अपने लिफ्ट के अंदर आप अपने एक्सेस पॉइंट को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर एक्सेस पॉइंट से रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट्स हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप और टीपी लिंक का CPE 510 या फिर कोई भी एक्सेस पॉइंट आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका अगर आप ये टीपी लिंक का एक्सेस पॉइंट परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।